दिमाग की नसों को खोलकर सुनना। इस वक्त घड़ी के कांटे सुबह के 5:32 बजा रहे हैं। तुम्हें 6 बजे से पहले पहले या 6 बजे तक उन 5 आतंकवाद के सिपाहियों को आजाद करना है जिनको तुमने कल घाटी में गिरफ्तार किया था। तुम अपने हिंदुस्तान को टुकड़ों में बटने से बचा नहीं पाओगे। टुकड़े तो मैं तेरे करूंगा। काश तुम सामने होते तो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करता। बातों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने से कोई फायदा नहीं धर्मा। मजमून ये है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो, वरना घाटी में जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तुम हरामजादे, भारत देश पर उठने वाली हर आंख नोच ली जाएगी, भारत देश पर उठने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूं धर्मा, अगर सुबह के 6 बजे तक उन 5 आतंकवादियों को तूने नहीं छोड़ा तो घाटी का मंदिर सुबह 6 बजे की आरती के शोर के साथ उड़ा दिया जाएगा। और उस उड़ान में सिर्फ भगवान ही नहीं, भगवान के हजारों भक्त उनके भजन कीर्तन के साथ उड़ा दिए जाएंगे। उन आतंकवादियों को मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। सर, कई जिंदगियों का सवाल है। मैं तो समझता हूँ बेहतर यही है कि हम उन 5 आतंकवादियों को रिहा कर दें। What nonsense! Get ready for the operation. Yes, sir. तरफ से मंदिर की नाकाबंदी कर लो और तो मेरे साथ आओ। घबराइए नहीं आचार्य जी, रोज की तरह आरती आज भी होगी। ज्यादा चालाक है, हम मंदिर नहीं खाड़ी के उस ब्रिज को उड़ाएंगे जो खाड़ी में दाखिल होने का एक ही जरिया है। तुम्हें वहां पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे पर 11वें मिनट में हम उसे उड़ा देंगे। उसे बचा सकोगे क्या? सर ये देखिए, लेट्स मूव। ओके सर। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव पलमे। Search from that side. Yes, sir. We'll be right back.
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी हरकत भी हमें महज परेशान करने के लिए रही हो? नो क्वेश्चंस, बी अलर्ट। यस सर। सर पुट योर गन डाउन एंड हैंड्स अप। इस बिजनेस का एक दलाल मैं भी हूं। मदनलाल डोगरा देशद्रोही था और इस विस्फोट में वो भी आतंकवादियों के साथ शामिल था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मेजर धर्म सिंह चौहान को कैप्टन मदनलाल डोगरा की मौत की इंक्वायरी पूरी हो जाने तक के लिए ड्यूटी पर न रहने का आदेश देती है। बड़े जल्दी उठा लिया, नींद हवा हो चुकी है क्या? खैर, एक पुराना गाना याद आ गया, मुलाहिज़ा फरमाइए। हमको वतन के इश्क ने क्या क्या बना दिया, जब कुछ न बन सके तो तमाशा बना दिया। तमाशे के आगाज पर इतनी हंसी आ रही है, हंस ले और जोर से हंस ले, क्योंकि अंजाम पर मैं तुम्हें रोने भी नहीं दूंगा। रस्सी जल गई, ऐंठने की आदत नहीं गई है? आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। अरे एक बड़ी नटखट आदत है मेरी, तेरे जैसे दरिंदों को सरे बाजार नंगा करके पीटने की। जरा सोच, सरे बाजार जब मैं नंगा करके तेरी पिटाई करूंगा और तू चीखता चिल्लाता मेरे आगे आगे भागेगा, तो कैसा लगेगा जुलूस? है शर्म आ गई साले को। खुजली होने लगी साले को। अरे बड़े भैया। अरे कैसे है छोटे? अरे कब से फोन लगा रहा हूँ, एंगेज पर एंगेज आ रहा है। क्यों, कोई भाभी ढूंढ ली है क्या? ज्यादा बकबक नहीं करना, है? कैसा है तू? बस आपके आशीर्वाद से पूरे आर्किटेक्चर कॉलेज में गोल्ड मेडल जीता भैया, गोल्ड मेडल। अरे कंग्रेचुलेशंस। अरे इतना ही नहीं बड़े भैया, गोल्ड मेडल के साथ साथ मुझे मेनका कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है। अरे तू तो शौक पे शौक दे रहा है यार। आपको अपने बिजी होने पर बड़ा घमंड था ना, अब मैं भी बिजी हो गया हूँ, नई नई नौकरी है, मुझे भी कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ कल ही ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा तू बिजी हो गया तो मैं फ्री हो गया हूँ, लंबी छुट्टी मिल गई है मुझे। क्या छुट्टी मिल गई आपको? अरे वाह भैया वाह। और हाँ, मैं इस पेइंग गेस्ट रूम से भी शिफ्ट कर रहा हूँ, मुझे कंपनी की तरफ से 2 बेडरूम फ्लैट मिल गया है, आप फौरन आ जाइए। बस जल्दी आ रहा हूँ। हाँ ओके, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय भैया। अब जब मैं ये खुशखबरी मोहिनी को सुनाऊंगा ना, वो तो खुशी के मारे झूम उठेगी।